नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से इस बात की जानकारी देंगे कि ऑफिस में रोमांस करते समय आपको कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए ताकि आपकी नौकरी को कोई खतरा ना हो। दोस्तों, वैसे तो रोमांस करने में कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जब बात ऑफिस की रोमांस की हो तो हमें सावधानी बरतनी जरूरी होती है। ऑफिस में रोमांस के दौरान कई बातों का ध्यान रखना पड़ता है, वरना नौकरी पर मुश्किल आ सकती है। तो आइए जानते हैं कि ऑफिस में रोमांस करते समय किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। नंबर एक, आप उनसे प्यार करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप ऑफिस में बस रोमांस ही करते रहें। आप ऑफिस में काम करने के लिए जाते हैं, इसलिए वहाँ पहले काम करें और बाद में रोमांस, वरना आप लोगों की आंखों में खटक सकते हैं। नंबर दो, ऑफिस में अपने रिलेशनशिप को चर्चा का विषय ना बनने दे। कहीं ऐसा ना हो कि आप ऑफिस में मजाक का विषय बनकर रह जाएं। नंबर तीन, अगर आप अपने ऑफिस में किसी को पसंद करते हैं तो इस बारे में ऑफिस में अपने किसी सहकर्मी को ना बताएं, वरना आपके लिए मुश्किलें बढ़ सकती है। नंबर चार, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप जिससे प्यार करते हैं अपना पूरा टाइम उन्हीं के साथ बिताएं। ऑफिस में बाकी लोगों के साथ समय बिताएं और घुलने मिलने की कोशिश करें। नंबर पाँच, अपने रोमांस की बातें सबके सामने ना करें, वरना आप हंसी का पात्र बन सकते हैं। बार बार फोन करके पास आकर बैठने से या उतावलापन दिखाने की बजाय आप अपने ऑफिस के समय में एक स्थान और एक समय निश्चित कर लें जहाँ आप दोनों अपनी बातें शेयर कर सके। इससे दूसरों को भी दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा ऑफिस में रोमांस करते समय ना तो खुद का मजाक बनने दे और ना ही दूसरों को अपनी वजह से अनकंफर्टेबल महसूस होने दे। तो दोस्तों, ये थी कुछ जानकारी जो आज हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से दी है। हमारी ऐसी ही अन्य जानकारी को हासिल करने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक करें, अपने दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।